क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें रिसीवेबल्स कितने? 18,500 रिसीवेबल्स आ गए। अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट दिया हुआ 1,000। ये तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसकी वर्किंग करेंगे। अच्छा, इसकी वर्किंग और क्वेश्चन 4 की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब यहाँ पहले ग्राफ में आपको वर्किंग समझा देता हूँ, इसमें जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा सही कैलकुलेशन क्या होगी। ठीक है, अगर हम इसको क्वेश्चन 4 की तरह सॉल्व करें तो इसमें हम क्या लिखेंगे? रिसीवेबल कितने हैं? 18,500। अब इसमें से स्पेसिफिक अलाउंस पहले माइनस करेंगे ना। ठीक है, स्पेसिफिक अलाउंस कितना है? 500 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 500 और दूसरा कितना है? तो 80% ऑफ 1,000 800। 800 माइनस करेंगे तो अब बैलेंस कितना आएगा? 17,000 बच जाएंगे ना। ठीक है, 17,000 आ गए, 17,200। ठीक है, अच्छा अब जनरल अलाउंस कितना है? 2% ऑफ रिमेनिंग रिसीवेबल्स ना। अब 2% किसका लेंगे? 17,500 200 का। ठीक है, 2% 344। ठीक है, और उसके बाद तीनों को ऐड कर लेंगे ना, 500 + 800 + 344, तो एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स आ जाएंगे ना। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी रॉन्ग। अब उसके बाद है मिस्टेक क्या है, ये गलत है, इसमें मिस्टेक क्या है? गलत क्या है इसमें, मिस्टेक क्या है? क्या 200? हाँ, वो नहीं आने चाहिए ना, आने चाहिए नहीं आने चाहिए? 200 तो आ रहे हैं, 17,200 में इंक्लूड है ना, वो तो इंक्लूड है, तो इंक्लूड होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए जी। 100 वो तो माइनस हो गया ना। हाँ नहीं, वो तो 5 उसमें से 80% है ना, 1,000 में से, वो तो हमने 80% 800 माइनस कर दिया, रिमेनिंग का 2% निकाला ना हमने, 17,200 का। ठीक है, देखें अब इस कैलकुलेशन में मिस्टेक क्या है, क्या मिस्टेक है देखें। ये जो हमारे स्पेसिफिक अलाउंस था 500, ये तो 100% था पहले क्या? हाँ, कौन सा वाला? ठीक है, फिर क्या नहीं करेंगे? क्या 2% तो लिया हमने, 18,500 का 2% नहीं, मैं अब्दुल, हाँ 17 का क्यों? हाँ सही है, ये इसमें होगा। देखें आप ये इसमें देखिए मिस्टेक क्या है, आपकी 500 तो 100% डाउटफुल हो गए, 1,000 में से 80% डाउटफुल है, यानी कि 800, बाकी 200 वो तो मिल जाएंगे ना। ठीक है, 1,000 में से डाउटफुल कितने? 80%, तो 800 हो गया, बाकी बचे 200, तो 200 तो मिलेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, 800 माइनस किया, अब ये तो 17,200 आ रहा है, इसमें तो 200 है, ये वो 1,000 वाले तो है, ये तो मिलेंगे ना। 1,000 में तो हमने कहा 800 डाउटफुल है, 200 बच गया, तो ये 200 वही वाले है ना। और फिर हमने क्या किया, पूरे 17,200 का 2% लगा दिया, उसका मतलब वो जो 1,000 वाला कस्टमर है वो डबल चार्ज हो गया। पहले हमने कहा 1,000 में से 80% डाउटफुल, फिर हम कह रहे हैं वो जो 200 बचे उसमें से भी 2% डाउटफुल है,
ऐसे ही हुआ ना, पहले 1000 पे 80% दिया, 800 बाकी 200 बचे, फिर उसमें हमने 2% लगा दिया ना। वो जो स्पेसिफिक कस्टमर है 1000 वाला, वो तो डबल चार्ज हो गया, पहले 80% फिर 200 का 2%। ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी ना इसलिए, ठीक है। तब जब जहां भी जब भी स्पेसिफिक अलाउंस लेस देन 100% होगा तो फिर कैलकुलेशन इस तरह नहीं करेंगे आप, ठीक है। उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज क्या होगा कुछ इस तरह करेंगे आप। अब इसकी एक्चुअल वर्किंग क्या होगी जिसमें मिस्टेक नहीं होगी आपसे, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम इस पहले रिसीवेबल्स को ही स्प्लिट कर लेते हैं, इस रिसीवेबल को स्प्लिट कर लेते हैं। एक कस्टमर से लेने 500, दूसरे से लेने 1000, तो बाकी कितने बचे 17000 बच गए। ये हमने 18500 को स्प्लिट कर दिया, वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक जर्नल। अब 500 में से डाउटफुल कितने हैं 100%, 1000 में से डाउटफुल कितने हैं 80%, 17000 में से डाउटफुल कितने हैं 2%। अब ठीक हो गया। अब उसका 500 का 100%, तो 500 आ गया, 1000 का 80%, 800 और 17000 का 2%, 340 आ गया। अब ये कैलकुलेशन सही हो गई। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 500 प्लस 800 प्लस 340, पहले ये 344 आ रहा था ना, अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे। अब ये आ जाएंगे हमारे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स 1640, और अब इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस हो जाएगा 1000, तो इंक्रीज इन अलाउंस आएगा 640 का, और 640 से बैड डेट्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल, ठीक है। अब ये एंट्री पोस्ट कर देते हैं लेजर्स में। अभी हो जाएगा रिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएंगे, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अभी अलाउंस अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1640। उसके बाद रिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे, और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस क्लोज हो जाएगा इनकम 8, ठीक है। अब नया पॉइंट यहाँ पर क्या था कि जब भी आपका स्पेसिफिक अलाउंस लेस देन 100% होगा, तो आप अपने पहले आप क्या करेंगे रिसीवेबल्स को स्प्लिट कर लेंगे, और उसके बाद परसेंटेज लगाएंगे, जिससे ये मिस्टेक नहीं होगी, डबल चार्ज नहीं होंगे आप, ठीक है। ठीक है, अब इसको बैक कर देता हूँ, कॉपी कर लें। अच्छा वर्किंग में दिखा देना। अच्छा अब क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट में बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, इनकम स्टेटमेंट में बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज करेंगे, ठीक है 640 चार्ज होंगे, और बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे 18500, और माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 1640 ना। इनकम स्टेटमेंट में बैडेड चार्ज हो जाएंगे 640, बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होंगे 18500, माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 1640, तो नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 16860। क्लियर? यस सर। इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा तो इसमें देखिए रिसीवेबल्स कितने हैं, रिसीवेबल्स का बैलेंस कितना है 78635, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस ये लास्ट में दिया 4300 लास्ट में। पहले तो ये ओपनिंग बैलेंस कॉपी कर लेते हैं। अब बाकी ट्रांजेक्शंस पोस्ट करेंगे। अच्छा जी, अब पढ़े जरा यहाँ से क्या लेते हैं, इंक्लूडेड इन दिस फिगर आर 2385 और डेट्स ऑफ कस्टमर हूज डेट्स आर नाउ डीम्ड टू बी इररिकवरेबल। तो ये हो गया हमारे बैड डेट्स हो गए, डाउटफुल कंफर्म। अच्छा यानी कि राइट ऑफ हो गए,
इसकी एंट्री क्या बनेगी? इररिकवरेबल डेट्स, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है एंड्रयू हैज ऑलरेडी रिटन ऑफ 1,234 ऑफ डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा देखिए, ये जो अमाउंट है ऊपर 2,385, ये तो वो ईयर एंड पर राइट ऑफ कर रहे हैं ना, और ये 1,234 से ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किए हैं, राइट ऑफ कर चुका है ईयर एंड से पहले, 2-4 महीने पहले कभी भी। अच्छा इसको रिकॉर्ड करें या नहीं करें? अच्छा जी, नहीं करेंगे रिकॉर्ड, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा ये बताएं, फिलहाल हम क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, और ये बताएं कि इनकम स्टेटमेंट में बेटेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, यहाँ तक अगर बात करें 1, 2, 3, 4 या 2, 3, 8, 5 या दोनों। ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो बेटेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? दोनों चार्ज होंगे ना, दोनों चार्ज होंगे, क्योंकि ये हमने ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किए और ये ईयर एंड पर राइट ऑफ कर रहे हैं, दोनों हमारे बेटेड्स हैं, दोनों ही चार्ज होंगे ना। तो इसका मतलब इसको हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा और एक चीज आती है, जब हमने ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किए होंगे उस वक्त क्या एंट्री बनी होगी? उस वक्त हमने एंट्री बनाई होगी इररिकवरेबल डेट्स, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। तो उस वक्त हमने इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट किया होगा, ये डेबिट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये हमने ये रेंट पर राइट ऑफ किए, तो ये भी हमारे इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट में डेबिट हो गया ना, दोनों डेबिट पर आएंगे। उसके बाद फिर अकाउंट क्लोज होगा, दोनों ऐड होके इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाए, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये जो हमने ईयर एंड पे राइट ऑफ किए यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं, और अकाउंट रिसीवेबल हमने उनको क्रेडिट किया, लेकिन अब ये जो 1, 2, 3, 4 ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किए वो सिर्फ यहाँ इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे, अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट नहीं होंगे। तो क्रेडिट क्यों नहीं होंगे? देखिए, ये हमने राइट ऑफ किए ड्यूरिंग द ईयर, उस वक्त एंट्री बनी होगी इररिकवरेबल डेट्स, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट, ठीक है। और ये जो उसने अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया है 38,78,635, ये कब का है? दो एंड का है ना, जून एंडिंग बैलेंस है, तो इसमें से ये 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे ना, ठीक है। क्योंकि ये एंट्री हमने कब बनाई? ड्यूरिंग द ईयर, उस वक्त एंट्री बनी होगी इररिकवरेबल डेट्स, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट हो गए। फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल क्लोज किया होगा ईयर एंड पे, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 78,635। ये 78,635 में से ये 1, 2, 3, 4 माइनस हो चुके हैं, इसे दोबारा माइनस नहीं करेंगे। फिर हमने ईयर एंड पे डिसाइड किया कि हम मजीद राइट ऑफ कर लें, तो ये उसमें से माइनस हो गया ना, वहां लिखा गया इंक्लूडेड इन दिस फिगर, राइट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हो रहे हैं वो सिर्फ इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट में डेबिट होंगे, रिसीवेबल में क्रेडिट नहीं होंगे, और जो ईयर एंड पर राइट ऑफ कर रहे हैं वो दोनों जगह पर रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो ये इसमें एक नया पॉइंट ये था, ठीक है। अच्छा ये राइट ऑफ होगा, इसके बाद तो फिर स्पेसिफिक अलाउंस है 3,250 का, और जनरल अलाउंस कितना है? 3%। अब ये अकाउंट पहले क्लोज करते हैं, रिसीवेबल अकाउंट, इसका बैलेंस आ गया, अब इसकी वर्किंग होगी। अच्छा बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस याद रखिएगा 4,300 है ना, ठीक है। अब ये रिसीवेबल आ गए 76,250, इसमें से स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करेंगे कितने? 3,250 माइनस करते हैं। अब ये रिमेनिंग रिसीवेबल्स आ गए 73,000, अब इसमें जनरल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, इसका 3%, 73,000 का 3% आ गया 2,109। अच्छा अब स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स आ गए 5,440, और अब इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे जो कि कितना है, ये दिया हुआ 4,300 माइनस करते हैं, याद रहेगा इंक्रीज इन अलाउंस 11,840 है, और एंट्री बन जाएगी इसकी इररिकवरेबल डेट्स, डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल, क्रेडिट हो जाएगी।
अब ये एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, पोस्ट कर देते हैं। एंट्री हो गया यहाँ पे इररिकवरेबल डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाए। अब अलाउंस अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका टोटल आ गया 5440 और ये कैरी डाउन आ गया। इसके बाद इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? तो इसमें देखिए मेन नया पॉइंट क्या था, एक डेयर में या राइट ऑफ और ईयर एंड पे राइट ऑफ। अब ये बताए इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 4759। बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे, 76250 और माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 540 के, क्योंकि कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में रिकवरेबल टैक्स चार्ज होंगे 4759। बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करेंगे 76250 और इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 5440। नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 70810। ठीक है, क्लियर? कॉपी कर रहे हैं।